लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। वहीं बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ ही इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 2 तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका